बताया गया है। एल वर्ग के पद के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम तकनीकी पद के लिए देखिएगा दोस्तों, जो भी तकनीकी पद है यानी कि आईटीआई से रिलेटेड वाला जो विद्यार्थी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, या राष्ट्रीय स्तर का उसके पास प्रमाण पत्र है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा संचालित की जाएगी, अधिकतम 250 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र के विवरण अनुसार, तो दोस्तों मैंने कनिष्ठ विद्युत अनुदेशक निदेशक की आपको मैंने ऊपर बता दिया है, अब आपको मैं बता रहा हूँ टेक्निकल हेल्पर के पदों की सिलेबस। तो दोस्तों विषय का सामान्य ज्ञान आएगा, इसमें समसामयिक की सामान्य विज्ञान और प्राथमिक गणित, राजस्थान के विषय संदर्भ में भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, कृषि और आर्थिक विकास, इतिहास और संस्कृति, यानी कि 50% पूछे जाएंगे भाग क में और 85 नंबर के होंगे। साथ ही भाग ख की बात करता हूँ मैं, तकनीकी ज्ञान यानी कि कौशल होना चाहिए, यानी कि उसने जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई के स्तर पे किया है तो उसका नॉलेज होना चाहिए और वो 100% होंगे 200 अंकों के, यानी कि सबसे ज्यादा जो वेटेज रखा गया है इसमें वो टेक्निकल का है, तो आपको ज्यादा टेक्निकल में ध्यान देना होगा और ये दोनों पेपर मिला के 2 घंटे के होंगे। तो दोस्तों आगे क्या जानकारी है आप लोगों के लिए भी बता देता हूँ। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी होगा, यानी कि आपका लिखित पेपर नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। बात करते हैं प्रत्येक 2 अंकों का होगा, यानी कि भाग ख में जो पेपर होगा, भाग क में जो पेपर है वो 1% 1 नंबर का है, भाग ख में जो पेपर है वो 1% 2 अंकों का है। प्रश्न दीपावली अतार्थ हिंदी और अंग्रेजी में होगा, यानी कि जो आपका पेपर आएगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, और दूसरा वाला भी जो रीजनिंग वगैरह मतलब जीके वाला है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर भी कोई माइनस मार्किंग नहीं है आप लोगों के लिए। दोस्तों वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। अभ्यर्थियों का चयन लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा, यानी कि आपकी जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है इसी के आधार पर आपका इसमें होगा। आपको कोई अलग से इंटरव्यू वगैरह नहीं देना होगा, कोई आपको अलग से कोई आप विधायक को लेकर चले गए तो उसका भी कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्ण अंक 40% होंगे, तथापि आजाद जजा यानी कि SC ST प्रवर्ग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5% की क्या चीज दी जाएगी शिथिलित किया जाएगा। कोई साक्षात्कार नहीं है। यदि लिखित प्रतियोगी परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते, जो 10th पास होते हैं वो विद्यार्थी बहुत कम समझते हैं दोस्तों, उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझेंगे। तो उनकी वरीयता यानी कि 2 लोग हैं जैसे कि आप और मैं हूँ, तो उनकी वरीयता उनकी जन्मतिथि तारीख के अनुसार विनिश्चित की जाएगी, यानी कि आयु में जो बड़ा अभ्यर्थी है यानी कि तो यदि मैं बड़ा हूँ आपसे या मेरे से आप बड़े हो, तो जो बड़ा है उसको क्या कर दिया जाएगा, वरीयता क्रम में उच्चतर दिया जाएगा, यानी कि समान अंक है पर फिर भी क्या है एक छोटा और एक बड़ा है, तो बड़े वाले को ले लिया जाएगा और छोटे वाले को छोड़ दिया जाएगा। तो उसका ये आपको मैं बता दूं, ये बड़ा अपडेट है। आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि सर मेरा भी नंबर यही था और दूसरे विद्यार्थी का भी नंबर यही था, मेरा नंबर क्यों नहीं आया। बहुत सारे विद्यार्थी में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कट ऑफ यही गई थी पर मेरा नंबर नहीं आया। तो सबसे बड़ा उसका दिक्कत यही होती है कि कट ऑफ सेम होती है पर आपका नंबर नहीं आता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपकी कट ऑफ छोटी होती होगी। डेट ऑफ बर्थ जरूर देखा करो दोस्तों, जब कट ऑफ देखते हो आप तो आपको सबसे बड़ी गलती करते हो कि कट ऑफ के बाद जो डेट लिखी होती है उसे नहीं देखते विद्यार्थी। और दोस्तों यहाँ पर जो सारी जानकारी थी वो मैंने आपको बताया अच्छी डिटेल के साथ। राज्यपाल के आदेश और नाम से जय सिंह शासन उप सचिव ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था। और दोस्तों ये कल की अपडेट थी जो कि मैंने आपको कल वैसे वैकेंसी के बारे में जानकारी आप लोगों को दे दी थी कि वैकेंसी आपकी जो है कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक की और आपके टेक्निकल हेल्पर की जो तैयार हो गई है, उसका जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसमें नकारात्मक होगा नहीं होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, ये सारा जो बदलाव किया गया था बोर्ड के द्वारा तो वो मैंने जानकारी आप लोगों को दे दी। उसके अलावा आपकी जो और भी भर्तियां हैं इसमें विद्युत विभाग में वो भी जानकारी का जो सिलेबस है वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा, जैसे विद्युत विभाग की बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट आता है, जैसे कि आज अपडेट आया तो हमने पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूं आगे कोई सिलेबस के साथ आपके जेवीएनएल की भर्तियों के साथ। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी आप इन दोनों भर्ती की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी वो आप लगातार तैयारी करते रहेगा और आपका सिलेबस इस प्रकार रहेगा। तो आज से आप तैयारी में जुट जाइए क्योंकि आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी यानी कि बहुत में बात करूं तो आपकी अगस्त में आपकी ये वैकेंसी 99% आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। तो आप बिल्कुल अभी तैयारी में जुटे रहे हैं तो आपका ये काम होगा दोस्तों। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।